हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा, फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नए अंदाज का डोरमेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बिल्कुल आपको पहली बार ही देखने को मिलेगा। मैं जो भी पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बिल्कुल नए होते हैं, जो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखिएगा, आज हम बहुत ही प्यारा सा ये हार्ट शेप में डोरमेट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसे आप डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं, थालपोश की जगह यूज़ कर सकते हैं और टेबल पर भी बिछा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर देखिएगा चार कलर के साथ बनाया है और सिर्फ एक फंदे से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसमें काफ़ी बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो इस पैटर्न में आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फंदे से ये स्टार्ट होगा। चाहे आप इससे बड़ा बनाएं, चाहे आप इससे छोटा बनाएं, लेकिन एक ही फंदे से ये शुरू होगा। और ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं, ये आप एक फंदे से शुरू करके आप कितने भी फंदों पर बना सकते हैं। जैसे मैंने 15 फंदों पर बनाया है, आप इसमें 16 फंदे रख सकते हैं, 17 फंदे रख सकते हैं, 18 फंदे रख सकते हैं, कितने भी फंदे से आप इसको स्क्वायर बॉक्स को बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो आप एक फंदे से शुरू करके इसमें आप इसको 20 फंदों से, 25 फंदों से भी बना बना सकते हैं। तो आपका स्क्वायर काफी बड़ा बन जाएगा, तो आपका डोरमेट भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और ये जो हार्ट पीस मैंने बनाए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें जोड़े के हिसाब से फंदे रखने हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल से फंदे रखेंगे। तो जोड़े जोड़े के हिसाब से फंदे रखते हुए दो 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 इस तरह से करके आप जितना भी बड़ा हार्ट बनाना चाहें इतना बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जितने आप फंदे बढ़ाएंगे इतने ही घटाएंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 फंदे बढ़ाए हैं, इसमें 10 फंदे से इसको बनाया है, 2 फंदे बढ़ाए हैं, फिर 2 फंदे घटाए हैं। तो आप इसमें इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, यानी कि जितना भी आप स्क्वायर का यहाँ पर साइज रखेंगे इतना ही आपको हार्ट का साइज रखना होगा। तो अब आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा डोरमेट है। इसके लिए मैंने देखे कि जैसे मैंने आपको बताया, 4 कलर लिए हैं और 9 नंबर की निडल से हम इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर ये 4 कलर के वूल लेंगे। तो इस इनमें 2 में हम हार्ट बनाएंगे और इसमें हम 2 में यहाँ पर स्क्वायर पीस बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके साथ स्क्वायर पीस बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने से हमारा यहाँ पर देखिएगा एक फंदा बन जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से धागे को नीडल पर लेते हुए। तो ये हमारे देखिएगा 2 फंदे हो गए। अब फिर से हम यहाँ पर देखिएगा एक फंदा बढ़ाएंगे और ये 2 फंदे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए। तो ये हमारे देखिएगा 4 फंदे हो गए, यानी कि हम जब भी सिलाई शुरू करेंगे तभी हम फंदे को बढ़ाएंगे। इस तरह हमारे दोनों साइड में फंदे बढ़ेंगे। देखिएगा, से धागे को नीडल पर लेंगे और फंदे को बढ़ा लेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस तरह से। इसे यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिएगा फंदे को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिलाई शुरू करेंगे तो एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमारे यहाँ पर 9 फंदे हो गए। इसी तरह से हमें बढ़ाते हुए यहाँ पर 15 फंदे करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने एक एक करते हुए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे यहाँ से हमने कर लिए हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे धागे को कट कर देंगे और यहाँ पर देखिएगा हम पर्पल कलर का धागा हमने यहाँ तक लगाया था, अब हम यहाँ से ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और इसमें यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। ये देखिएगा,
अब यहाँ से पूरी सिलाई हम पहले सिंपल बना लेंगे। इस सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे, पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही बनाना है। देखिएगा, ये धागे को अंदर सिक्योर कर देंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई हम यहाँ से ऐसे ही बना लेंगे वाली। ये देखिएगा, आप देखिए जैसे हमने यहाँ से एक एक करते हुए फंदे बढ़ाए थे, अब हमें यहाँ पर फंदे को घटाना है। तो फंदे को भी हम इसी तरह से घटाएंगे। जब भी हम सिलाई को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि तुक्का एक कर देंगे। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हम ऐसे ही सिंपल बना लेंगे। ये देखिएगा, लास्ट तक सभी फंदे बुन लेंगे। फिर से यहाँ पर सिलाई को स्टार्ट करते हुए हम यहाँ से दो फंदों का एक कर देंगे, यानी कि जैसे हमने दोनों साइड फंदे बढ़ाए थे, अब हमें इसी तरह से करते हुए दोनों साइड एक एक फंदा घटाना है। हर बार सिलाई को शुरू करते हुए फंदे को घटाएंगे, एंड में नहीं घटाएंगे, सिर्फ सिलाई को शुरू करते हुए हम फंदे को घटाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप दोनों साइड फंदे घटाएंगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। आपको फंदे को सिर्फ स्टार्टिंग में घटाना है, लास्ट में नहीं घटाना है। तो देखिएगा, यहाँ से इस तरह से फिर से हमने दो फंदों का एक कर दिया। ये देखिएगा, फिर से यहाँ पर दो फंदे का एक करेंगे। तो इसी तरह जब हमने हमने स्टार्ट किया था इसको, तो एक फंदे से स्टार्ट किया था, इसी तरह से घटते करते हमारा लास्ट में एक फंदे पे ये फिनिश हो जाएगा, इस तरह से करते हुए। तो यहां से देखिएगा, मैं इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। हर बार एक एक फंदा कटाते हुए लास्ट में एक फंदे पर हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने ये स्क्वायर पीस तैयार कर लिया है, देखिएगा। और इसी तरह के हमने यहाँ पर देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमें ये पीस तैयार कर लेने हैं। ये देखिएगा, अब हम यहाँ पर हार्ट वाला पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा पिंक कलर के साथ यहाँ पर 10 फंदे डालेंगे। तो यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगाने से यहाँ पर हमारा एक फंदा बच जाएगा। अब देखिएगा, नॉट लगाने से हमारा यहाँ पर एक फंदा बन जाएगा। अब देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे हमारे हो गए। अब पहली सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही सिंपल बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब हम यहां पर फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाते हुए हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ाया था और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 फंदे हमने बुन लिए, यानी कि 9 फंदे हो गए। और दो फंदे हम यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। और उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। आप फिर से देखिएगा, यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, आप देखिएगा, अब हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 1,
दो, तीन, चार, पांच, छह, और दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा इसी तरह से। अब फिर से देखिएगा यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, यहाँ से फंदा बनाएंगे, देखिए एक, दो, तीन, चार, और दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और ये उल्टी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बनाएंगे और दो फंदे इसमें और ऐड कर लेंगे, ये देखिएगा। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा। अब फिर से हम देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, दो फंदे ऐड करेंगे तो यहाँ पर गैप है, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे, एक फंदा ये बना लेंगे। आप देखिएगा उल्टी सिलाई, यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, देखिएगा जब हमने यहाँ पर एक एक करते हुए दो फंदे बढ़ाए थे तो दो दो करते हुए हमने चार फंदे छोड़ दिए, इसके बाद हमने फंदे नहीं बढ़ाए थे और दो बार फंदों को छोड़ा था। अब हमने देखिए क्या क्या है, यहाँ से फंदों को नहीं घटाया, दो बार फंदों को ऐड किया। अब हमें फंदा घटाना है, यानी कि दो फंदे हमने बढ़ाए थे, अब उन दो फंदों को हमें घटाना है। तो देखिएगा यहाँ से दो का एक करेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए देखिएगा जाएंगे और लास्ट में दो फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से फंदा उठाएंगे और दो का एक करेंगे और इस वाले फंदे को भी बना लेंगे। ये देखिएगा अब यहाँ से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई फिर से हम ऐसे ही बना लेंगे। अब फिर से देखिएगा दो फंदे का एक करेंगे और यहां से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट के दो फंदों को ऐड कर लेंगे। यहां से फंदा उठा लेंगे और दो का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। तो देखिएगा हमारे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 फंदे फिर से हो गए हैं। जैसे हमने यहाँ से 10 फंदे डाले थे, एक एक करके दो बढ़ाए थे, एक एक करके दो घटाए। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हमें व्हाइट कलर के धागे को लगाना है, यहाँ से देखिएगा धागे को कट करेंगे और यहाँ से हम व्हाइट कलर के धागे को लगा लेंगे। अब जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई थी सेम ऐसे बनाई है, पहले हम यहाँ से देखिएगा कलर को चेंज करते हुए सिलाई को बनाएंगे और ये धागे देखिएगा अंदर इस तरह से सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ से सेम देखिएगा जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो से बनाया था, यानी कि पहले एक सिलाई हमने सिंपल बनाई थी, इसके बाद हमने जो सेकंड रो बनाई थी उसमें देखिएगा हम फंदे को बढ़ाएंगे ऐसे। और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, उल्टी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिएगा फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि करते हुए हमने दो फंदे बढ़ा लिए और यहाँ पर चार फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर देखिएगा सिंपल बनाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस होते हुए उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने दो, चार, छः, आठ फंदे छोड़ दिए हैं। आप देखिए क्या करेंगे, अब हमें दो दो करते हुए फंदों को ऐड करना है। तो देखिएगा यहाँ से चार फंदे बुनेंगे और दो फंदे इसमें और ऐड कर लेंगे।
यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ से गैप है तो फंदे को उठाते हुए दो फंदे ऐड करेंगे, यानी दो का एक करेंगे, एक फंदा ये बना लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, हमारे यहाँ पर चार फंदे जब रह जाएंगे तो यहाँ से फंदे को घटाएंगे, दो का एक करेंगे और लास्ट में दो फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आप देखिएगा, यहाँ से फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ से बनाते हुए जो हमारे लास्ट के दो फंदे रह गए हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से हम फंदे को उठा लेंगे और दो का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से, अब हमारा यहाँ पर देखिएगा हार्ट ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें सारे फंदे बंद कर देने हैं, तो यहाँ से इस तरह से करते हुए दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ से धागे को कट करके अंदर सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने ये हार्ट को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये छह पीस बनाए हैं। देखिएगा इस तरह से, आठ पीस हमने ये बनाए थे स्क्वायर के और छह पीस हमने ये बनाए हैं। तो अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे और किस तरह से हमें इसे सेट करना है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमें इनको किस तरह से सेट करना है। देखिएगा इस तरह से हम इसको लगाएंगे, ये देखिएगा ऐसे, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे लगाने हैं पीस, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे लगाने के बाद ये वाले हार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से लगाने हमें, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको यहाँ से सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर पीस को जोड़ना है, इसके बाद हमें देखिएगा यहाँ से यहाँ तक सिल देना है। यहाँ से भी सब सिलाई करेंगे, तो इसकी सिलाई के लिए देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ये स्क्वायर पीस जोड़कर दिखा देती हूँ, फिर आगे की सिलाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं ये वाला पीस जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको सिल दिया। अब हमें इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक करनी है और यहाँ से यहाँ तक इसको हमें सिलना है। देखिएगा इसको ऐसे आप पलट के भी रख सकते हैं, ये देखिएगा इस तरह से। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो ऐसे शेड अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। अब हमें ये वाले हार्ट यहाँ पर इस तरह से लगाने हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे सब में, तो ये सिल लेती हूँ, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डोरमेट का न्यू डिज़ाइन? बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर पहली बार ही देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए डोरमेट के डिज़ाइन लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।